हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो के ऊपर जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, उसके लिए फिर से मैं एक बार दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जो मैंने चेकलिस्ट के ऊपर बनाया हुआ है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा चेकलिस्ट फॉर प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज वर्क। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग और ड्रेनेज वर्क ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, एक अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं। आज हम उसी के बारे में बेसिक और इम्पॉर्टेंट जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहला टॉपिक है दोस्तों प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। मतलब प्लम्बिंग और ड्रेनेज का काम शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहली स्लाइड। नहीं, आज चुटकी नहीं बजाऊंगा, आज अपने आप आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा प्लम्बर्स लाइसेंस अवेलेबल एट साइट। तो दोस्तों, आप जिस साइट पे काम करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आपको, जो प्रोजेक्ट आपको हैंडल करने के लिए दिया गया है, वहाँ अगर प्लम्बिंग का वर्क है तो प्लम्बिंग का काम करने वाला जो वेंडर है, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, उसका वो लाइसेंस होल्डर होना चाहिए और उसका लाइसेंस का एक कॉपी आपके रिकॉर्ड बुक में होना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े कंपनियों में लाइसेंस होल्डर प्लम्बर रखे जाते हैं, छोटे मोटे बिल्डर्स, छोटी मोटी कंपनियां लाइसेंस होल्डर्स प्लम्बर नहीं अपॉइंट करती है। उनको तो बस काम से मतलब होता है कि जो कम रेट देगा वो प्लम्बर हायर करेंगे और उससे काम करवाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे रेपुटेड कंपनी में हो, या आप अगर अपनी कंपनी में कोई सिस्टम लगाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे अपना इम्प्रेशन दिखा सकते हो कि सर, कि हम लोग लाइसेंस होल्डर वाला ही प्लम्बर से काम करेंगे, ताकि क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन रहे। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों मैन्युफैक्चरर इंस्टॉलेशन गाइड अवेलेबल फॉर रेफरेंस। तो दोस्तों, आपके साइट पे जब भी प्लम्बिंग का मटेरियल आता है तो आपको मैन्युफैक्चरर से इंस्टॉलेशन गाइड मंगवा लेना है। बहुत बार तो प्रिंस जैसी कंपनी होगी, एस्ट्रल होगी, फिनोलेक्स होगी, ये सब कंपनियां इंस्टॉलेशन गाइड साथ में ही भेजती हैं। लेकिन अगर कोई आप लोकल यहाँ से मंगा रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन गाइड मंगा के रखना है रेफरेंस के लिए। देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आर्किटेक्चर एंड प्लम्बिंग कंसल्टेंट ड्राइंग्स अवेलेबल ऑन साइट। प्लम्बिंग का काम शुरू करने से पहले आपके पास आर्किटेक्चर का और MEP कंसल्टेंट या प्लम्बिंग कंसल्टेंट का ड्राइंग आपके हाथ में, आपके साइट पे होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों बेसकोट टॉयलेट वाटर प्रूफिंग कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग प्लम्बिंग वर्क। बाथरूम एरिया में या बालकनी एरिया में जब भी आप प्लम्बिंग का काम शुरू करते हैं, तो दोस्तों उसके पहले बाथरूम या बालकनी में वाटर प्रूफिंग का बेस कोट हो जाना चाहिए। आपको वह प्लम्बिंग का काम शुरू करने से पहले ख़त्म करना है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा प्रोविजन ऑफ लेज वॉल मेड वेयर एवर देयर RCC वॉल। जहाँ पर लेज वॉल बनानी ज़रूरी है वहाँ पर आपको लेज वॉल बनानी ही है दोस्तों। मैंने टाइप्स ऑफ वॉल्स में सबसे आखिर के सेक्शन में लेज वॉल के बारे में बताया दोस्तों। अगर आपको समय मिले या आपने देखा होगा वो वीडियो, तो लेज वॉल का मैंने सबसे लास्ट में लेज वॉल का पॉइंट कवर किया था। लेज वॉल इसके लिए करनी पड़ती है दोस्तों, जैसे अगर बाथरूम के एरिया में अगर RCC कॉलम आ गया है और आपके प्लम्बिंग के पॉइंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप उसको चिजलिंग नहीं कर सकते, जरी नहीं मार सकते हैं, अलाउड नहीं है, स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बराबर। तो इसके लिए लेज वॉल बनानी होती है दोस्तों, हमको नहीं बनानी होती है, हमको सिर्फ बोलना होता है कि भाई यहाँ पे लेज वॉल आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, बाथरूम वॉल्स आर मार्क विथ टाइल फिक्सिंग पोजिशंस। टाइल फिक्सिंग पोजिशन आपको इसके लिए मार्क करना होता है ताकि आपके टाइल्स के जॉइंट्स कहाँ पे आने वाले हैं, टाइल्स का पैटर्न कौन सा है, डिज़ाइनिंग पैटर्न है तो आपका शॉवर सेंटर में आना चाहिए, जो आपके प्लम्बिंग के पॉइंट्स है, टैप्स है, शॉवर्स है, मिक्सर है, वो टाइल्स के बराबर कौन से कोने में आ रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए टाइल्स के पोजीशंस वॉल पे फिक्स करनी होती है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट है हमारा बाथरूम फ्लोर इज मार्क विथ पोजिशन
of EWC, bathtub and other. तो प्लम्बिंग वर्क के साथ ही बाथरूम का फ्लोरिंग भी आपको डिसाइड करना होता है कि ये आपका फ्लोरिंग का टॉप रहेगा, तो उसी हिसाब से आपके बाथरूम में जो प्लम्बिंग के जो पाइप्स जाने होते हैं नानी ट्रैप्स के, वो प्रॉपर तरीके से स्लोप में बिठाए जाते हैं ताकि आपकी फ्लोरिंग लेवल डिस्टर्ब ना हो। अगर बाथरूम में बाथटब दिया हुआ है, प्रोवाइड है, गिवन है, तो आपको उसकी लेवल भी मेंशन करनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है दोस्तों, टाइल्स ठिया के बारे में, इसके लिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, पोजिशन ऑफ फ्लश टैंक एंड बॉयलर्स मार्क ऑन वॉल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फ्लश टैंक का जो लेवल आएगा आपका या बॉयलर जो है उसका लेवल आपको वॉल पे प्लम्बिंग का काम शुरू करते वक्त मार्क करना है। बॉयलर यानि गीजर का बड़ा भाई, बॉयलर यानि बॉयलर मुर्गी नहीं दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा ड्रेनेज आउटलेट होल मार्क ऑन वॉल एंड ट्रैप पोजीशंस। वॉल के ऊपर ड्रेनेज का जो आउटलेट होल है उसको मार्किंग करना है और वॉल पे जो ट्रैप आ रहा है उसका पोजीशन मार्क करना है। आपको नहीं करना है दोस्तों, प्लम्बर को करना है, प्लम्बर को आपको बताना होता है सिर्फ। यहाँ के ट्रैप्स के बारे में बताना चाहूँगा, पी ट्रैप, यस ट्रैप और क्यू ट्रैप। इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में ज़रूर दूंगा। चलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं अगले पॉइंट पे। आगे हम देखेंगे दोस्तों एक्सटर्नल प्लम्बिंग के बारे में, तो एक्सटर्नल प्लम्बिंग में क्या क्या हमको चेक करना होता है। मार्किंग ऑफ पाइपलाइन ऑन आउटर वॉल एंड टेरेस। एक्सटर्नल वॉल पे जो भी आपका पाइपलाइन जाने वाला होगा उसका मार्क कर लेना है चौक से, लाइन डोरी से या मार्कर से। नेक्स्ट पॉइंट है जी आई स्लीव प्रोवाइडेड ऑन RCC वॉल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड ओवरहेड वाटर टैंक। दोस्तों जब भी हम लोग UG टैंक या ओवरहेड टैंक का पर्दी खड़ा करते हैं तो वहाँ पे एक स्लीव कास्टिंग के वक्त ही डाल के रखते हैं एज पर ड्राइंग मेजरमेंट। तो आपके पास ड्राइंग तब से आया हुआ होता है, खाली आपको वो केयरफुली रीड करना है कि कौन से हाइट पे मेरा स्लीव है, स्लीव का डाया क्या है, वो सब आपको चेक करना है। ये प्लम्बर नहीं करेगा, ये आपको चेक करना होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ आउटर पाइप मार्क एंड ड्रिल होल एज स्पेसिफाइड। जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि पाइपलाइन का मार्किंग करना है और इस पॉइंट में जो पाइप के पोजीशन है उसको प्रॉपर तरीके से क्लैंप करके उसके होल की पोजीशन, पाइप की पोजीशन आपको प्रॉपर तरीके से चेक करनी है, मार्क करनी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट क्या होती है, अभी हम लोग देखने वाले हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट क्या है। मतलब इसके पहले हमने देखा कि काम करने से पहले हमें क्या चेक करना है, क्या मार्किंग करनी है, क्या पोजीशन देखने हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इंस्टॉलेशन करते वक्त, प्लम्बिंग लाइन का इंस्टॉलेशन करते वक्त हमको क्या क्या चेक करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन चेक इंटरनल प्लम्बिंग एंड इंटरनल ड्रेनेज। तो पहला पॉइंट है दोस्तों प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों बाथरूम्स के अंदर बिल्डिंग्स में प्रैक्टिकली जो इंजीनियर्स अभी काम कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में, उनको मालूम होगा कि बाथरूम्स के अंदर एक विंडो तो दिया होता है लेकिन उसमें से सफिशियंट सनलाइट आता नहीं है। तो प्लम्बिंग का काम करते वक्त वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की अरेंजमेंट होनी चाहिए। लाइटिंग की अरेंजमेंट मतलब कि आपको खाली हैलोजन वहाँ पे प्लम्बर को लगा कर देना है, आपको नहीं लगाना है, प्लम्बर को आप दे देंगे वो लगा लेगा ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके, अच्छे लेवल्स लेने में कोई मिस्टेक ना करे। देखते हैं आगे का पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों केसिंग ऑफ मेसनरी डन। मतलब एज पर प्लम्बिंग ड्राइंग जो पाइपलाइन का जो मार्किंग था उसके हिसाब से जरी कटिंग हुआ है कि नहीं, पाइप कंसील करने के लिए वो उतना मेसनरी वॉल का एरिया कट किया हुआ है कि नहीं, वो खाली आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, मेसनरी केस एंड होल्स रेंडर विथ नॉन स्ट्रिंग ग्राउट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है जरी कटिंग कर लेते हैं, पाइप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और दिखाने के लिए मोर्टार उसमें अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है दोस्तों। तो उसमें नॉन स्ट्रिंग ग्राउट प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना होता है। चलते हैं आगे, जॉइंट्स ऑफ CPVC पाइप्स।
डन विथ सोलवन सीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आजकल पहले के ज़माने में GI पाइप्स यूज होते थे, आज CPVC, UPVC, PVC पाइप्स ये सब यूज होते हैं। तो CPVC पाइप्स के लिए एक सोलवन सीमेंट आता है जो पाइप के ऊपर अप्लाई करके दो पाइप को ज्वाइंट किया जाता है, तो उसी सोलवन सीमेंट से ही पाइप को ज्वाइंट्स करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्सिंग ऑफ वॉश बेसिन, सिंक, फ्लश टैंक, बाथ टब, नानी ट्रैप एज स्पेसिफाइड। तो ये जो भी वॉश बेसिन है, फ्लश टैंक है, इनको प्रॉपर तरीके से फिक्स किया गया है कि नहीं वो आपको चेक करना है। स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से किया है कि नहीं, सेंटर से कितना डायमेंशन पे आपका वॉश बेसिन दिया था, फ्लश टैंक का हाइट कितना था, ये सब आपको चेक करना है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। चलते हैं अगली स्लाइड पे दोस्तों। अगली स्लाइड है हमारी एक्सटर्नल प्लम्बिंग के बारे में। तो पहला पॉइंट है असेंबली एंड फिक्सिंग ऑफ पाइप इन पोजीशन, ये भी पॉइंट रिपीट हुआ है दोस्तों। तो जो पाइप्स आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से असेंबल करना है और फिक्स करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सफिशियंट गैप केप्ट बिटवीन वॉल एंड सरफेस एंड पाइप्स। तो दोस्तों एक्सटर्नल प्लम्बिंग जब भी आप करते हैं, डाउन टेक आपका जब भी उतरता है डक में से, तो आपको दीवार का और पाइप का गैप मेंटेन रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैंप्स एंड एक्सपांशन लूप प्रोवाइडेड फॉर CPVC पाइप्स। तो एक्सटर्नल लाइन में जब भी आपका डाउन टेक उतरता है तो आपके क्लैंप्स चेक करने होते हैं, हर 3 मीटर पे दिया हुआ है कि नहीं, जो हर फ्लोर पे लूप जाते हैं वो चेक करने होते हैं, ये एक साइड इंजीनियर का काम है दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है हमारी एक्सटर्नल ड्रेनेज के बारे में। तो एक्सटर्नल ड्रेनेज में फिक्सिंग ऑफ CI पाइप्स, CPVC पाइप्स, इनको चेक करना होता है। कौन से डाया का पाइप प्रोवाइड किया हुआ है ड्राइंग में, उस हिसाब से आपको चेक करना होता है। एक्सटर्नल ड्रेनेज में भी आपको पाइप और दीवार के बीच में गैप मेंटेन रखना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इनवर्ट लेवल ऑफ इंस्पेक्शन चेंबर चेक विथ ऑटो लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ड्रेनेज में अगर प्रॉपर तरीके का स्लोप मेंटेन नहीं किया, अगर लेवल से काम नहीं किया, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इसके लिए कभी भी आप इन्वर्ट लेवल आपको चेक करना है इंस्पेक्शन चैम्बर का। ड्राइंग पे सब मेंशन होता है कि इन्वर्ट लेवल आपको 300 रखनी है कि 600 रखनी है, ड्राइंग के हिसाब से आपको ऑटो लेवल से आपको लेवल चेक करनी है ताकि आपके काम में कोई एरर ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक मेसनरी इंस्पेक्शन चैम्बर प्लास्टर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जो चैम्बर बनाए जाते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर जो होते हैं 2x3 के दिए जाते हैं ज़्यादातर, या साइज मेंशन होती है ड्राइंग पे 2x3 का बनाना है या 2x2 का बनाना है, तो उसकी ब्रिक मेसनरी और उस ब्रिक वर्क को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छा क्वालिटी का प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों ये स्लाइड पे सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जॉइंटिंग ऑफ CI, CPVC, SWG, RCC पाइप्स, इनका जो जॉइनिंग करते हैं हम लोग, तो कभी कभार क्या होता है ड्रेनेज लाइन में हमको सपोर्ट देना पड़ता है, इनकेसिंग करना पड़ता है, टेक्निकल टर्म है उसका इनकेसिंग, कॉन्क्रीट माल से उसको सपोर्ट देना। तो अगर आपने कॉन्क्रीट से उसको इनकेस किया है तो उसको क्यूरिंग भी आपको करना है। ऐसे नहीं कि भाई आज पाइप ले कर दिया, इनकेसिंग कर दिया, कंक्रीट से सपोर्ट दे दिया और भूल जाना है, क्यूरिंग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए मैंने कैपिटल में उसको बड़े अक्षरों में मेंशन किया हुआ है। स्लोप ऑफ द एंटायर ड्रेनेज लाइन मेंटेन एज स्पेसिफाइड। MEP ड्राइंग में आपको स्लोप पूरा लेवल के हिसाब से दिया होता है, हर एक चैम्बर का लेवल दिया होता है और आपको प्रॉपर स्लोप में ही ड्रेनेज का काम करना है। ऑटो लेवल यूज़ करिए, एक्चुअल लेवल लीजिए ताकि आपका काम परफेक्ट हो। ड्रेनेज में स्लोप बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांच लाइन जॉइनिंग इन मेन सीवर। तो दोस्तों आपकी जो ब्रांच लाइन जाती है वो मेन सीवर में जॉइनिंग करना होता है आपको। तो एज पर ड्राइंग वहाँ पर एक चैम्बर बनाना होता है, सब कुछ ड्राइंग पे ऊपर दिया होता है, खाली आपको केयरफुली रीड करना है, उसकी लेवल समझनी है, हाइट समझनी है, विड्थ समझनी है,
बस और कुछ भी नहीं। लेकिन ड्रेनेज के काम में आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक बार हमने ड्रेनेज कर दिया, पाइपलाइन डाल देते हैं, इनकेसिंग कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, फिर सोलिंग, पीसीसी, फिर ड्राइववे बनता है हमारा। अगर ड्रेनेज में प्रॉपर स्लोप नहीं हुआ तो आप इमेजिन करिए कि ये सब काम किया हुआ आपने सब वेस्ट है, फिर से आपको दोबारा सब एक्सकवेशन से शुरू करना पड़ेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रेन वाटर पाइप प्रोवाइड विथ 45 डिग्री शूज एट बॉटम। तो टेरेस से आपका जो रेन वाटर पाइप नीचे उतरता है तो वहाँ पे बॉटम में आपको 45 डिग्री का शू प्रोवाइड करना होता है दोस्तों। पोस्ट इंस्टॉलेशन चेक, तो पहले हमने देखा प्री इंस्टॉलेशन, फिर देखा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, अभी पोस्ट इंस्टॉलेशन मतलब काम होने के बाद हमें क्या चेक करने हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन से काम है जो हमको चेक करने होते हैं। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन चेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, प्रेशर टेस्टिंग, ग्रेविटी प्रेशर टेस्टिंग कैरी आउट एंड इट्स रिकॉर्ड मेंटेन। आपका प्लम्बिंग लाइन का पूरा काम हो जाता है, आपको प्रेशर चेक करना होता है। प्रेशर टेस्टिंग से आपको मालूम होता है कि आपके जो प्लम्बिंग की लाइन आपने जो फिक्स की है उसमें लीकेज है या नहीं है। मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में जनरल नोट्स फॉर सिविल इंजीनियर पार्ट 1 या 2 में ये पॉइंट कंसीडर किया है, विद इमेज कंसीडर किया है कि प्रेशर टेस्टिंग पंप कैसे होता है। ग्रेविटी प्रेशर चेक, स्लोप, सब आपको चेक करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीकेज। अगर पूरा काम होने के बाद में कहाँ पे आपको लीकेज फाउंड होता है तो आपको रेक्टिफिकेशन करना है दोस्तों। और लास्ट वाला पॉइंट वही है कि जो भी आपने केसिंग किया है, होल्स किए हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, हम लोग गाबड़ा बोलते हैं, ज़्यादातर क्या होता है प्लम्बिंग डक में अपन होल कर देते हैं, पाइप आ जाता है बाहर और उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ग्राउट नहीं करते हैं और वहाँ से ही लीकेजेस ज़्यादा चालू हो जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ऑल ट्रैप्स इंस्पेक्शन चैम्बर्स आर क्लीन। दोस्तों काम होने के बाद क्या होता है कि चैम्बर तो हम लोग बना देते हैं, प्लास्टर करते हैं अंदर बाहर से, लेकिन क्या होता है कि चैम्बर के अंदर कचरा जमा हो जाता है। तो हमेशा चैम्बर जो है वो क्लीन होने चाहिए। जो ट्रैप्स है उसमें कभी कचरा जाता है, कॉन्क्रीट चला जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको संभालनी होती है दोस्तों। तो ट्रैप्स और इंस्पेक्शन चैम्बर हमेशा क्लीन होना चाहिए। बैक फिलिंग डन, तो जैसे मैंने बताया था ड्रेनेज लाइन के लिए आपने जो एक्सकवेशन किया है, काम होने के बाद प्रॉपर तरीके से बैक फिलिंग, कॉम्पैक्शन, सोलिंग, पीसीसी, ये सब चीज़ें आपको प्रोसेस वाइज पूरी करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्टिंग हाइट ऑफ सीवर पाइप अबव टेरेस एज स्पेसिफाइड। तो टेरेस लेवल से ऊपर सीवर पाइप हमारा हमेशा होता है दोस्तों, बेसिक पॉइंट है। अगला पॉइंट भी वही है, सीवर पाइप का जो टॉप का जो पोर्शन होता है वहाँ पे कॉल बोलते हैं उसको, कॉल फिक्स किया है कि नहीं, कैप होता है लेकिन कैप पैक वाला कैप नहीं होता है जिसमें से एयर पास हो सके, ऐसा कॉल होता है। मॉस्किटो नेट वाला भी एक कॉल आता है, वो फिक्स करना होता है आपको। तो दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन रुको दोस्तों, अभी जाओ मत, अभी वीडियो स्किप मत करिए या क्लोज मत करिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि आप सभी के अच्छे अच्छे सुझाव मुझे मैसेज द्वारा, फ़ोन द्वारा, कमेंट्स में भी आ रहे हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप दीजिए या हम सबको ये जानकारी चाहिए। तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि आपने जो सुझाव दिए हैं, जो टॉपिक दिए हैं, उन पर मेरा वीडियो ज़रूर आएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, क्योंकि क्या है मेरे हाथ में अभी जो मैंने प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, जो मैंने काम जिस वीडियो के टॉपिक्स पे काम किया हुआ है वो मैं पहले अपलोड करूँगा, फिर बाद में आपने जो सुझाव दिए हैं उसके वीडियो लाइनअप में आ जाएंगे दोस्तों। और एक बात मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है कि बहुत सारे मुझे सुझाव और कमेंट्स आते हैं कि सर मराठी में भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मराठी में भी वीडियो बनाऊँगा और हिंदी में भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि क्या है मेरा जो मॉप है, जो क्राउड है, वो दोनों है, महाराष्ट्रियन लोग भी है, मराठी लोग भी है। और फेसबुक पे मेरे कई सारे ऐसे ग्रुप्स है जो इंडिया में भी है और आउट ऑफ इंडिया में भी है, तो वहाँ उनके लिए मुझे हिंदी में बनाने पड़ते हैं। आज मैं जब यूट्यूब पे सब मालूम पड़ता है दोस्तों, आपके व्यूअर कौन से हैं ये सब यूट्यूब पे मालूम पड़ता है। तो मेरे चैनल को श्रीलंका, अफगानिस्तान,
बांग्लादेश ये कंट्री में भी देखा जाता है दोस्तों। इसके लिए मुझे हिंदी में भी वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि यूट्यूब सब बता देता है दोस्तों कि कितने लोगों ने कमेंट्स किया, लाइक्स किया, सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब किया, ये भी यूट्यूब सब बताता है दोस्तों। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने मोर देन 65 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लेकिन 30% लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो मेरा वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ जो होता है सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज रिलेटेड। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे फिर एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।